विधायकों की इतनी सैलरी बढ़ाना समाज में बहुत गलत संदेश देता है। 53,000 तनख्वाह में काम नहीं चल रहा है जो कि सच है, तो उसको उसके निदान सोचें। आज महंगाई है, सबके लिए है, हम उनकी चिंता नहीं कर रहे, दिल्ली की गृहणियों की चिंता नहीं कर रहे, और अपनी 4 गुना तनख्वाह बढ़ाना। If such MLA is coming from Aam Aadmi's party, I'm going to draw a salary of 500,000 rupees a year towards the end of their term. So it is absurd. They should change their name from Aam Aadmi party to VVIP party, because I don't think any VVIP also will be getting such a huge salary perk as the Aam Aadmi party MLA now will be getting in Delhi. In the backdrop of that, one has to see how this is done in a judicious manner, without giving scope for criticism. But some people, they criticize others, forgetting what they are doing. अभी भी दिल्ली के विधायकों की जो तनख्वाह है वो असम के विधायकों की तुलना में बहुत कम है। वहाँ 60,000 रुपए बेसिक है, गोवा के अंदर 90,000 बेसिक है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, गोवा में बीजेपी की सरकार है, असम के अंदर कांग्रेस की सरकार है। जहाँ तक बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे विधायकों की बात है, वो राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, लूट खसोट करते हैं, 5 साल के अंदर लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाते हैं। उनको सैलरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस देश के अंदर ईमानदार विधायक अगर आपको चाहिए तो उनके लिए उचित तनख्वाह उनको देनी पड़ेगी, और उसके मद्देनजर ये किया गया है।